जिला पुलिस व आबकारी एवं कराधान विभाग ऊना के संयुक्त ऑपरेशन में जिला भर में धड़ाधड़ अवैध शराब पकड़ी जा रही है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बढ़ाई गई है। इसी कड़ी के बीच थाना बगाना के तहत पड़ते गांव रायपुर मैदान में गत मंगलवार को 600 से भी अधिक पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है। यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि खबर लिखे जाने तक अभी विभागीय कार्यवाही एवं अवैध शराब की गिनती जारी है। वहीं क्षेत्र में इतनी भरकम मात्रा में अवैध शराब पकड़े जाना लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि एक तरफ आगामी 3 दिन बाद मतदान होने जा रहा है, वहीं अवैध कारोबारियों का धंधा चरम पर है। अब जिला की आम जनता इस जनमानस में है कि आखिरकार इस अवैध धंधे में कौन सा बड़ा सरगना संलिप्त है, और क्षेत्र की जनता द्वारा यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह अवैध शराब के ही राजनीतिक पार्टियों जुड़े बड़े लोगों की तो नहीं। अभी पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। देखिए, जब से कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हुआ है और जो कांग्रेस का वास्तव में प्रत्याशी था, कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया और किसी और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो स्वभाव से ही इस कारोबार से जुड़ा रहा। और आज नहीं कह रहे हैं, हम तब से कह रहे हैं कि इस बार धन तंत्र का और शराब तंत्र का खुला जो है वो प्रयोग होगा। और आज मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि अभी 3 दिन और क्या होगा, लेकिन जितनी शराब पकड़ी गई है, मैंने 4 चुनाव लड़े, कभी ऐसी घटना जो है वो हमें देखने को नहीं मिली है। ये जो कल की जो थी वो शर्मनाक थी, और मुझे लगता है कि प्रशासन और चुस्ती के साथ इन्होंने जगह जगह के ऊपर जो है वो ये शराब जो है स्टोरेज करके रखी हुई है। इस और जो है वो ध्यान दे ताकि चुनाव जो है वो ठीक से जो हो सके। जी सर, पिछले कल देर रात हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रायपुर स्थित एक स्टोर में या गोडाउन में भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब जो है रखी गई है। उसके चलते पुलिस ने वहाँ पे रेड की। डीएसपी हेडक्वार्टर जो है इस टीम को लीड कर रहे थे, और हमें काफ़ी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, ज़्यादातर अंग्रेजी शराब और कुछ देसी शराब जो है वहाँ से प्राप्त हुई है। इसके चलते हमने 88 नंबर FIR जो है एक्साइज एक्ट की विभिन्न धाराओं में जो है रजिस्टर किया है, और आगे फर्दर हम उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। क्वांटिटी का एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी भारी मात्रा में है और अभी इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कितना एग्जैक्ट अमाउंट है। गोल्डी नाम का एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ हमने मुकदमा अभी दर्ज किया है। फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जानी है। इसमें ये इतनी भारी मात्रा में दारू यहाँ कैसे आई, ये दारू के बैच नंबर्स और अन्य डिटेल्स भी इसमें हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे कि ये कहाँ से दारू निकली, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, कहाँ पे गई, एक्साइज डिपार्टमेंट के रडार में ये क्यों नहीं आई, और बाकी अन्य क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग पहलू हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करके जो है हम इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन को कम्प्लीट करें। सर, क्या लगता है कि किसका हाथ हो सकता है? देखिए, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी एक व्यक्ति को हमने जिसको पकड़ा है इस रेड के दौरान, उससे हम अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी स्टार्ट हुई है। फर्दर इसमें क्या क्या इसमें और IPC की सेक्शंस जुड़ेंगी, इसमें कितनी जो लिकर पकड़ी गई है उसकी क्वांटिटी कितना, अभी तक तो वही पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में ये पकड़ी गई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है, जैसे ही कुछ आगे डिटेल में आएगा तो फिर हम उस पर बता पाएंगे। जी सर, पिछले कल ऊना में भी सुनने में आया 244 पेटियाँ बता रहे थे। नहीं, पिछले कल हमने 44 बॉक्सेस जो है वो पंजाब सेल फॉर सेल इन पंजाब एक भट्टे से, जो ईंट का भट्टा होता है, वहाँ से पकड़ी है। उसमें भी हमने केस रजिस्टर किया है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हमको ये क्लियर होगा कि वो कहाँ से आई है। हमारा जो एक्साइज इलेक्शन चलते भी जो हमारा एक्साइज और अन्य डिटेक्शन वर्क है वो काफ़ी ज़ोर शोर पर चला है, और काफ़ी अच्छे सीजर जो है हमारे हुए हैं, और यही कंटिन्यू भी रहेगा। जी, ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ विपिन साजन की रिपोर्ट।